राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 154वीं जयंती पर नीमच के गांधी भवन में कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण किया गया। महात्मा गांधी के आजादी की लड़ाई में किए गए योगदान को याद किया। बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने रघुपति राघव राजा राम का भजन भी गाया। गांधी जयंती के इस कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, ब्रजेश मित्तल, राकेश अहीर, आशा सांभर, नाथू सिंह, हरीश दुआ, मनोहर अंब, एडवोकेट विजय शंकर, ब्रजेश सक्सेना, मोहम्मद हुसैन पहलवान, हिदायतुल्ला खान और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। जैसे कि सभी को बताएं कि आज महात्मा गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता है उनकी जन्म जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी तस्वीर पर माल्यार्पण किया है। फिर महिला कांग्रेस के द्वारा जो रामधुन रखी गई है उस पर रामधुन गाया गया है और सभी संकल्प लिया है कि जो गांधी जी का जो वचन था कि सफाई अभियान रखना है तो वैसे ही हमारे सेवा दल की तरफ से आज श्रमदान भी किया जाएगा। यही हमने आज ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से सर आज 154वीं राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती है। आज महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को लेकर जो देश को आज़ादी दिलाई आज उन्हीं को हम तो उनकी याद को हम स्मरण करते हुए आज महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही उनके जो पद चिन्हों पर स्वच्छता अभियान जो आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी माना जा रहा है और महात्मा गांधी का जो सत्य अहिंसा का जो नारा था दे दी आज़ादी हमें खड़क बिना दा और जिस तरह के जो उन्होंने हमारे प्रार्थना सभा और ये सारी जो ती है तो उसको लेकर हमने आज प्रार्थना सभा भी की और उसको आज महात्मा गांधी की जयंती को हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और जगह जगह आज पूरी जगह सेवा दल हो चाहे कांग्रेस कमेटी हो चाहे महिला कांग्रेस हो हर जगह अलग अलग जगह सभी लोगों ने मनाई है और लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।